सात साल पहले एक फिल्म आई थी जो पोस्ट 2000 एरा में जवान हुई ऑडियंस के लिए DDLJ जैसी थी। टाइटल जब वी मेट। टाइटल रोल्स वर प्लेड बाय करीना एंड शाहिद कपूर। अगले महीने ये फिल्म सात साल पूरे करने वाली है और उसी दौर में शाहिद की फिल्म हैदर भी रिलीज होने वाली है। तो प्रमोशन के लिए नहीं, बस शायद यूं ही शाहिद ने जब वी मेट को याद कर लिया और उन्होंने बताया कि जब वी मेट ये फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तो शाहिद और करीना को फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल नहीं माना था कि ये फिल्म इतनी चल जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी फिदा, 36 चाइना टाउन और चुप चुप के में ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी थी। पर कमाल की बात थी, जब वी मेट चली भी और ट्रेंड सेटर भी रही। इस फिल्म ने लोगों को ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से निकलने के कई नए ट्रेंड्स जो सिखाए थे। बट देन अगेन शाहिद को ये फिल्म याद आई और हमें भी फिल्म याद आई जब वी मेट, जिसने हमें दिए थे शाहिद करीना के नए लुक्स, नए एक्टिंग स्टाइल्स और एक बड़े ही डिसेंट सिंगर मोहित चौहान। कभी ना लागे मन।